तो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें दिया क्या है, द एंगल बिटवीन द लाइंस ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, तो इन दोनों के बीच का अपन को एंगल निकालना है। तो लेट ए वाई लाइन हो गई अपनी लाइन वन और ये हो गई लाइन टू, ठीक है। तो अगर मैं लाइन वन का स्लोप निकालू तो अपन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे, तो लाइन वन का स्लोप आ जाएगा माइनस ऑफ ए वन अपॉन बी वन और लाइन टू का स्लोप आ जाएगा माइनस ऑफ ए टू अपॉन बी टू। अपन डायरेक्ट टेन थीटा निकालते हैं तो ये हो जाएगा ए टू अपॉन बी टू माइनस माइनस ए वन अपॉन बी वन, ठीक है, का मॉड अपॉन वन प्लस ए वन ए टू अपॉन बी वन बी टू। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन अपॉन ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू, ठीक है, का मॉड और इधर हो जाएगा टेन थीटा। यहाँ से अगर अपन थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स ऑफ ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन अपॉन ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू, या फिर इसको अगर अपन कॉट इनवर्स के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज आर रिक्वायर्ड आंसर।